आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स को मिली लगातार तीसरी जीत, कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया 49 रनों से। पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा उलटफेर, चेन्नई सुपर किंग्स को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आईपीएल 2023 से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स का सातवां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस सीजन की लगातार तीसरी जीत हासिल कर ली है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 49 रनों से मात दी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 235 रन बनाए थे। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर से बेहतरीन पारी खेलते हुए 35 रन बनाए, तो वहीं डेवन कॉनवे ने इस सीजन का लगातार चौथा अर्धशतक जड़ा और 56 रन बनाने के बाद आउट हुए। डेवन कॉनवे ने मात्र 40 गेंदों पर ये पारी खेली थी। अजिंक्य रहाणे एक बार फिर से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और अंत तक नॉट आउट रहे। अजिंक्य रहाणे ने मात्र 29 गेंदों पर 71 रनों की विस्फोटक पारी खेली। शिवम दुबे भी एक बार फिर से शानदार लय में नजर आए। शिवम दुबे ने मात्र 21 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली। 236 रनों के विशाल लक्ष्य के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 8 विकेट खोकर मात्र 186 रन ही बना पाई। इस तरह से चेन्नई की टीम ने इस मुकाबले में 49 रनों की बेहतरीन जीत हासिल की। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस सीजन में न सिर्फ लगातार तीसरी जीत हासिल की है, बल्कि इस सीजन की अपनी 5वीं जीत भी हासिल की। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अभी तक खेले गए 7 में से 5 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं 10 पॉइंट्स के साथ ये टीम टॉप पर मौजूद है। दूसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 7 में से 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं 3 मुकाबलों में हार मिली है। तीसरे स्थान पर है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 7 में से 4 मैच जीते, तो वहीं 3 मैचों में हार का सामना किया है। चौथे स्थान पर पिछले सीजन की चैंपियन गुजरात टाइटंस है, जिसने 6 में से 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है। इस समय पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स है, जिसने अभी तक सिर्फ 1 ही मुकाबला जीता है। वहीं केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी काफी नीचे नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स को मिली इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में हमें बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम टॉप पर थी, तो अब वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टॉप पर पहुंच चुकी है। निश्चित तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ की तरफ मजबूती के साथ बढ़ रही है। आने वाले मुकाबलों में हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ में कौन से स्थान पर पहुंचती है। आपको क्या लगता है, वो कौन सी 4 टीमें हैं जो आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में अपनी जगह बनाएंगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।